हेलो दोस्त, आरआरबी जेई सीबीटी 2 क्लास 4 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जिसमें कॉमन है उसी को लेके पहले चल रहे हैं। तो इसमें पार्ट नंबर 14 है और इलेक्ट्रिकल का तो 46 तक हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एलपी वाला बहुत सारे वीडियो है और टेस्ट सीरीज भी आपको पड़ा हुआ है, जो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे यूपीएससी आईएएस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों के टर्म में है, जिसमें चैप्टर का नाम है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 55 प्रश्न हो सकता है आपको एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न करा दे आपको, मेरा ये अनुमान है। बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न आप जानते ही है, हो सकता है चेंज भी हो, लेकिन मेरा ऐसा लगता है कि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा हम एग्ज़ाम में देखते आते हैं, चाहे एग्ज़ाम किसी की भी हो चाहे परीक्षा कब भी हो। तो ये मैच लिस्ट टाइप वाला ही सीरीज है, इसमें भी उसी टाइप के चलेंगे। और चलिए इसको देखते हैं कैसे कैसे हैं प्रश्न। तो प्रश्न की शुरुआत आप देख ही चुके हैं, बिना देर किए हुए एक एक लाइन में चलते चलना है, बिना टारगेट एक ही है, प्रश्न जितना ज़्यादा हो सके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पहले लिस्ट दिया हुआ है 1 में, जिसमें इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया हुआ है, और दूसरा में कह रहा है कि किस प्रकार का ये लिस्ट है, उसको क्लासिफिकेशन यानी प्रकार आपको बताना है। पहले कह रहा है ओम मीटर है, दूसरा वाट आवर मीटर है, तीसरा नल बैलेंस रिकॉर्डर है, और आपका करेंट बैलेंस है। इसमें आप देखेंगे तो कैसे बताएंगे कौन सा मीटर किस टाइप के है। तो सबसे पहले मीटर को क्या जानते हैं, इंटीग्रेटिंग रिकॉर्डिंग आपका, उसके बाद इंडिकेशन और एब्सोल्यूट, 5-4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इनको चारों को कैसे लगाएंगे, कैसे समझेंगे। तो सबसे ज़्यादा हम वाट आवर मीटर देखते हैं, और कई बार इसको KWH मीटर भी बोलते हैं, और साधारण भाषा में कहते हैं घरों में लगने वाले मीटर। कहाँ, घरों में लगने वाले मीटर यही होता है, या तो सिंगल फेज होता है या 3 फेज होता है। ये किस प्रकार का मीटर होता है, तो आप कहते हैं बिजली वाले मिस्त्री भाई आते हैं, जो आपका टेक्नीशियन आते हैं, तो पिछला यूनिट मेरा 1000 था, अगला यूनिट 1500 हो गया है, फिर अगले महीने आते हैं तो पिछला 1500 हो जाता है, अगला यूनिट आपका 2000 हो जाता है। ये क्या है, क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, यानी सारा को रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ते हुए क्या कर रहा है, आगे बढ़ते हुए चल रहा है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो कहाँ है यहाँ ऑप्शन, आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट मिल गया है लगता है। तो एक प्रश्न आपका सोल्व हो गया, वाट आवर मीटर क्या है इंटीग्रेटिंग टाइप पे, ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर में क्या करते हैं, जब आप जनरेटर और वोल्टेज से रेजिस्टेंस नापने की कोशिश करते हैं तो पॉइंटर आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ते रहता है, आगे तरफ बढ़ना पीछे की तरफ घटना को क्या करते हैं, इंडिकेशन, यानी ओम मीटर इंडिकेटर टाइप के मीटर है। उसके बाद नल बैलेंस मीटर हाइयर मीटर होता है, जो रिकॉर्डिंग का काम करता है, सारा रिकॉर्ड करता है, और लास्ट में बच गया है रेलिगेस करेंट बैलेंस, जो क्या होता है एब्सोल्यूट टाइप का, और एब्सोल्यूट टाइप के मीटर का यूज बोलते हैं लेबोरेटरी मीटर, हायर प्रिसीजन प्रिसाइज मीटर होता है, जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज किया जाता है। तो एक का यहाँ एक का यहाँ, ओम मीटर का इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग, ये प्रश्न का आंसर। अगले में चलिए इसको फास्ट करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है इंस्ट्रूमेंट, और इधर यूज बताना है किस प्रकार का यूज स्केल के टर्म में होता है, सारे या इंडिकेशन के टर्म में। तो अभी हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, सबसे पहला काम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और कॉइल जहाँ लग जाती है, ध्यान दीजिएगा, कॉइल जहाँ भी लग जाती है किस पे काम करती है, सिंपल सी बात है, तो एसी या डीसी या स्केल। तो ध्यान देने वाली बात है, जहाँ भी कॉइल की बात होगी उसका स्केल क्या होता है, लीनियर होता है, हमेशा बराबर होता है। कैसे, तो यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, यहाँ पे 25, इसी टाइप के। लेकिन अगर सेम मूविंग आयरन मीटर हो जाएगा तब क्या होगा, ये स्क्वायर लो नियम के अनुसार चलता है, और जिसे बोलते हैं I²R, यानी पहला रीडिंग अगर 5 है तो दूसरा रीडिंग हो सकता है यहाँ 25 हो, अगला रीडिंग 50 हो, और अगला रीडिंग हो सकता है यहाँ पे लास्ट में 200 भी हो, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूल के अनुसार से नॉन लीनियर स्केल हो जाएगा। कौन सा,
नॉन लीनियर स्केल। तो दोनों को याद रखिएगा, जब भी मूविंग कॉइल होगा तो लीनियर स्केल होगा, मूविंग आयरन होगा तो स्क्वायर टाइप के नॉन लीनियर स्केल होगा। उसके बाद आपका है थर्मोकोपल। थर्मोकोपल क्या होता है, वेरी गुड हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस इस टाइप के मीटर का करैक्टरिस्टिक्स या यूज होता है। और लास्ट में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप क्या है, वोल्ट मीटर है, जो एसी एंड डीसी दोनों वोल्ट मीटर के टाइम पे शायद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पे आप देखिएगा तो ये क्या है, वोल्ट मीटर का है ऑप्शन। तो ये चारों ऑप्शन हो गए, यहाँ पे आपका आ गया लीनियर, स्क्वायर लॉ, वेरी हाई और यहाँ पे वोल्ट मीटर। चलिए तो यहाँ पे ये है ये वाला प्रश्न। अगले प्रश्न में चलते हैं, हॉट वायर। अगला लिंक आपको कह रहा है लिस्ट वन लिस्ट टू में हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मूविंग मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और लॉक इन एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम देख लिए लॉक इन एम्पलीफायर, जो फेज लॉक PLL आपने सुना होगा, फेज लॉक के टाइम पे ये एम्पलीफायर में होता है। तो पहला का आंसर तो हमें दो मिल गया। उसके बाद हमने अभी पढ़ा था परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट किस पे काम करेगा, तो आपको जवाब सिंपल सी होगा, डीसी पे काम करेगा, जिसका स्केल लीनियर होता है, हमेशा बराबर होता है, उस पे काम करेगा परमानेंट मूविंग कॉइल। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की हमने बात किया था क्या नाप सकता है, पहले ही वोल्ट मीटर की बात यहाँ भी किए थे हमने, तो ये क्या नाप सकता है, वोल्टेज केवल। उसके बाद आपके पास है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रू आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को माप सकता है। तो यहाँ पे आपको चारों का आप देख लीजिएगा, रूट मीन स्क्वायर, ट्रू वैल्यू, परमानेंट मूविंग कॉइल आपका डीसी वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका है ओनली वोल्टेज, और एम्पलीफायर मतलब फेज, लॉक इन एम्पलीफायर इन फेज लूप। अगले प्रश्न में चलते हैं लिस्ट वन। सो हमने अभी तक कितने 12 प्रश्न कर लिए हैं, लिस्ट वन लिस्ट टू, जिसमें पहला में मीटर का टाइप है, दूसरे में किस प्रकार का इसमें इरर आ रहता है उसको समझना है, और एक प्रश्न इसमें से आप लिख लो कि यह आएगा ही लगभग, या तो इलेक्ट्रिकल में आए या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आए या इंस्ट्रूमेशन में आए, ये प्रश्न तो आना ही आना है, जिसमें आपको कह रहा है PMMC वोल्ट मीटर, परमानेंट मैग्नेट कॉइल वोल्ट मीटर में किस प्रकार का एरर होता है वो बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज एरर होती है वो टेम्परेचर एरर के रूप में आता है। उसके बाद ACM मीटर, एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं, AC एम्पियर मीटर में किस प्रकार का लॉस आएगा, तो जहाँ पे AC होता है ना, तो ध्यान रखिएगा AD करंट एरर आएगा, तो AC में आपका AD करंट एरर रहेगा। करंट ट्रांसफार्मर में कौन सा आएगा, यानी CT में क्या आएगा, तो फेज एंगल एरर आता है। और एनर्जी मीटर में क्या आता है, तो ब्रेकिंग सिस्टम एरर आता है, कौन सा टाइप से, तो ब्रेकिंग सिस्टम एरर, और इसको एक बार और एम्प्लीफाई करके बोलिएगा तो क्रिम्पिंग एरर भी बोलते हैं। और क्रिम्पिंग एरर क्या होता है, जब मीटर से आप लोड नहीं भी लेते हैं तो जो आपका अल्मीनियम का डिस्क होता है वो धीरे धीरे घूमते रहता है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग एरर, यानी उसका मैग्नेट ब्रेक उसको एकदम स्टॉप नहीं करता है, थोड़े थोड़े चलते रहता है। इस कमी को करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, डिस्क में एक, दोनों साइडों में एक होल बना दिया जाता है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स इसको क्रॉस करके निकल जाए, अल्मीनियम डिस्क को घुमाने की कोशिश ना करें। तो ये टॉपिक भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों में से इंपॉर्टेंट ही प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हो गया, हम 16 प्रश्न कर लिए, 20वें की तरफ चल रहे हैं। पहले दिया हुआ है मटेरियल यूज होता है इंस्ट्रूमेंट में और इसका पर्पस क्या होता है वो बताना है। पहला करा है फॉस्फोर ब्रोंज, पूछ दिया जाता है आपको कि जो आपका स्प्रिंग बना हुआ रहता है, कंट्रोल स्प्रिंग, वो किस टाइप के मटेरियल का होता है, तो फॉस्फोर ब्रोंज का होता है। मैग्निन किस लिए बनता है, तो इसे हम संट बनाते हैं, यानी मैग्निन के नाम पे जब भी याद आए तो रेजिस्टेंस याद आ जानी चाहिए, स्टैंडर्ड मटेरियल रेजिस्टेंस की मैग्निन है। उसके बाद अल्मीनियम से क्या बनाते हैं, जो हमने ब्रेकिंग का बात किया, तो क्या बनाते हैं, मीटर का डिस्क बनाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। और यूरेका का क्या बनता है, तो मल्टीप्लायर बनता है, यानी रेजिस्टेंस का मल्टीप्लायर जो आपका सीरीज में लगता है उसके रिगार्डिंग है। तो चारों का प्रश्न देख लिए, चारों प्रश्न आपके पास है, फॉस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग के लिए, मैग्निन संट के लिए, अल्मीनियम डिस्क के लिए, यूरोका मल्टीप्लायर के लिए। प्रश्न नंबर 20 समाप्त हो गया है। चलिए अगले चलते हैं, चार प्रश्न और हैं।
इन चारों प्रश्नों को देखिएगा जिसमें पूछ रहा है रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और रिलक्टेंस का है, इसका डायमेंशन आपको बताना है, डायमेंशंस यानी बीमा बतानी है। तो रेजिस्टेंस का हम जानते हैं एम एल स्क्वायर टी के पावर 3 आई के पावर माइनस 2, क्योंकि रेजिस्टेंस में करेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला आपका टॉपिक याद रखिएगा, ऐसे तो डाइवर्सन करना होता है लेकिन एग्जाम में आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना, याद रखना है रेजिस्टेंस का एम एल स्क्वायर टी के माइनस पावर 3 और आई के पावर माइनस 2। उसके बाद इंडक्टेंस सेम ऐसा ही होगा लेकिन टी के पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस 2 हो जाएगा। कौन सा है तो 2 में ऑप्शन है, एम एल स्क्वायर टी के माइनस 2 और आई के माइनस 2 इंडक्टेंस के लिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बच गए जिसमें कैपेसिटेंस के बारे में पूछा है और तीसरा है रिलक्टेंस के लिए। तो कैपेसिटेंस की जब भी बात करते हैं तो इसका सीधा सा आंसर देखिए ये वाला होगा, एम के पावर माइनस 1, एल के पावर माइनस 1, टी के पावर 4 और आई के पावर 2। कैपेसिटेंस के लिए टी के पावर 4 याद रखिएगा। उसके बाद रिलक्टेंस में जाएंगे तो टी के पावर आधा हो जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो आपका 1 में है। तो आंसर हो गया आपके पास रेजिस्टेंस का, हो गया यहाँ आपका इंडक्टेंस के सामने, कैपेसिटेंस का सामने, रिलक्टेंस का ऊपर की तरफ। अगला चलिए, कुछ मटेरियल से रिलेटेड 7 प्रश्न है। क्या स्टेंडर है, क्या उसको यूज करते हैं? तो मैग्नीन का तो हमने देखा था अभी, जिसमें क्या बनाते हैं, इससे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं। एक प्रश्न तो हमने कर रखा था लेकिन यहाँ भी है, इसको भी करना है। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मटेरियल है और वहाँ हमने क्या पढ़ा था, संट के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद CGM-33, ये हमारा ऑटोमिक क्लॉक या टाइम का स्टैंडर्ड है। जो हमारा हाईएस्ट टाइम स्टैंडर्ड है वो CGM-133 से लिया जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड वोल्टेज, तो कौन से जंक्शन को बोलते हैं स्टैंडर्ड वोल्टेज के जंक्शन टर्म में, तो जोसेफसन जंक्शन को जब भी नाम याद आता है तो स्टैंडर्ड वोल्टेज की बात करते हैं। और IEEE 4888 क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट का इंटरफेस लॉजिक है। उसके बाद स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जानते ही है, फ्रीक्वेंसी किससे लिया जाता है, किसके वेवलेंथ से नापते हैं, तो हमने अभी CGM-133 बात किया था। तो CGM बीम स्टैंडर्ड वेवलेंथ के टर्म में हम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी मापते हैं, जो इतना 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 करोड़ों के यूनिट में एक संख्या लिखा हुआ मिल जाता है। तो संख्या को यहाँ अगर आ जाए तो देख लीजिएगा, ऑप्शन में ही मिल जाएगा। उसके बाद अगला आपके पास पूछ रहा है वेस्टर्न सेल, ये क्या है, स्टैंडर्ड सेल है वोल्टेज का जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में जानते हैं। और एक प्रश्न और पूछ दिया जाता है कि वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ये भी आप याद रखिए, आराम से याद रख सकते हैं और इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। क्या होता है, 600 से 800 ओम होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, CGM का रिलेशन आपका ऑटोमेटिक क्लॉक या टाइम से रिलेटेड है, स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल से, मैग्नीन का रेजिस्टेंस से, स्टैंडर्ड वोल्टेज जोसेफसन जंक्शन से, इंटरफेस इंस्ट्रूमेंट का है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी CGM बीम स्टैंडर्ड का वेवलेंथ से जुड़ा हुआ है, यूनिट ऑफ लेंथ किससे नापते हैं, तो क्रिप्टन 86 से, देखिए ये छूट रहा था, SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई की यूनिट किससे नापते हैं, तो क्रिप्टन 86 से। यहाँ पे CGM-133 है, यहाँ पे क्रिप्टन 86 है। और वेस्टर्न सेल किस प्रकार का सेल है, तो स्टैंडर्ड सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 600 से 800 ओम के बीच होता है। चलिए अगले 4 प्रश्न है इंस्ट्रूमेंटेशन का ही, जिसमें कह रहा है फॉर्मर कॉइल कोर और स्प्रिंग क्या क्या काम करता है उसको बताना है इंस्ट्रूमेंट का पार्ट के रूप में। तो फॉर्मर के बारे में जानते ही हैं, फॉर्मर आपने सुना ही होगा, कई बार सुना होगा, फॉर्मर जहाँ भी लगता है ये क्या करता है, प्रोड्यूस बेस फॉर कोर क्वाइल, प्रोवाइड बेस फॉर क्वाइल, क्वाइल क्या करता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा करता है आगे की तरफ, स्केल को बढ़ने के लिए क्या करता है, टॉर्क पैदा करता है। कोर क्या करता है आपको, मैग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियल
बिल्कुल करता है, और स्प्रिंग क्या करता है तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क करता है। तो इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो तीन टाइप के टॉर्क होता है, एक डिफ्लेक्टिंग, एक कंट्रोलिंग और एक तीसरा एक क्या होता है डैम्पिंग। तो दो टॉर्क की तो बात कर लिए थे, डैम्पिंग किस लिए करते हैं कि पॉइंटर आपको ईजी से मूव कर सके, ज़्यादा तेज़ी से नहीं, ज़्यादा आराम से नहीं, यानी जितनी ज़रूरत हो उतनी आसानी से पॉइंटर बढ़ जाए। यानी समझिएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा करने के लिए कॉइल लगाते हैं, कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग लगाते हैं, और डैम्पिंग के लिए एडी करेंट डैम्पिंग और आपका एयर सिलेंडर डैम्पिंग वगैरह भी सारे टाइप की डैम्पिंग करते हैं। लेकिन डैम्पिंग का काम क्या होता है, धीरे धीरे पॉइंटर को अपने पॉइंट पे पहुंचाना। इंस्ट्रूमेंट का ये बेसिक तीनों प्रिंसिपल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन का ही, जिसमें पूछ रहा है मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडाइनेमिक, इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के मीटर से क्या क्या माप सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, तो VBI लिख लीजिएगा। ये दो प्रश्न के लिए मैंने VBI बोला है, एक एरर टाइप के और क्या मापता है किसके लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मूविंग आयरन से क्या माप सकते हैं, मूविंग आयरन देखिए आयरन है तो AC भी माप सकता है और DC भी माप सकता है। अगर दोनों माप सकता है तो वोल्टेज और करंट दोनों माप सकता है, कौन सा, मूविंग आयरन। तो पहले प्रश्न का, मूविंग आयरन में हमें AC एंड DC वोल्टेज एंड करंट मापने का इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा इलेक्ट्रोडाइनेमिक किस टाइप का मीटर है, तो AC एंड DC इलेक्ट्रोडाइनेमिक दोनों पे काम करता है, लेकिन वोल्टेज करंट के साथ साथ पावर भी माप सकता है, ये कौन सा होता है इलेक्ट्रोडाइनेमिक का। इंडक्शन टाइप का मोटर कोई भी हो, मीटर हो, वो क्या कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, इंडक्शन की बात करेंगे तो ये क्या क्या मापता है, AC का केवल माप सकता है क्योंकि कॉइल में तो इंडक्शन ही केवल पैदा होता है। ये क्या किस पे होता है, DC पे होता है क्या, तो नहीं होता है, तो केवल AC पे काम करेगा। और क्या क्या मापता है, तो AC वोल्टेज करेंट एंड पावर। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हमने पहले भी किया है कि वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज नापेगा लेकिन AC और DC दोनों की मापेगा। तो यहाँ पे आपको प्रश्न का आंसर मिलता है मूविंग आयरन के लिए। तो मूविंग आयरन का सवाल में आपका 2 नंबर है, इलेक्ट्रोडाइनेमिक में आपका 4 नंबर है, इंडक्शन टाइप AC के लिए है और इलेक्ट्रो वोल्टेज के लिए है, AC DC दोनों के लिए। तो जहाँ पे इंडक्शन आए केवल AC के लिए, जहाँ पे, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, जहाँ पे इंडक्शन आए केवल AC का क्वांटिटी माप सकता है, जहाँ पे PMMC आ जाए तो क्या मापता है, केवल DC पे, DC है, DC से कॉइल पे है। उसी तरह ये सारे मीटर का आप याद रखिएगा प्रॉपर्टी। तो DC हो गया यहाँ पे, AC हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न बचा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, जो इंस्ट्रूमेंटेशन का बेसिक है, सबसे बेसिक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, इसको VBI। क्यों, क्योंकि प्रिसीजन एक्यूरेसी रिजुलेशन स्टैटिक सेंसिटिविटी और डेड जोन, इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे ही। तो ये चार चीज़ इंस्ट्रूमेंट का बेसिक फंक्शन होता है, इसको मानिएगा। उसके अलावा और भी आता है, कैलिब्रेशन और एक दो और है, वो लेके आएंगे नीचे है इसी वीडियो में। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें प्रिसीजन किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, क्या फंक्शन है वो बताना है। तो प्रिसीजन मतलब क्या होता है, कितनी बार भी आप रीडिंग ले लो उसकी रीडिंग सेम वैसा ही आएगा, यानी मेजर टू रिप्रोडक्टिविटी दी मेजरमेंट, एक वैल्यू को बार बार मेजर करने पे भी वो वैसा ही आएगा, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। नहीं समझे, यानी पहली बार में हमने 20 वोल्ट मापा, दूसरी बार भी मापेंगे तो 20 ही आएगा, फिर 20 आएगा या 20 आएगा, इसके नज़दीक आएगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं। चलिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट है एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्यूरेसी क्या है, जो अगर आपको 20 वोल्ट मापना है और कोई इंस्ट्रूमेंट 19.9999 वोल्ट माप रहा है, और इसे कहते हैं एक्यूरेसी। अगर 18 वोल्ट मापता है तो उसको बोलते हैं अनएक्यूरेसी, यानी अपनी सही डाटा नहीं माप रहा है। तो एक्यूरेसी को क्या बोलिएगा, क्लोजनेस ऑफ रीडिंग विथ दी वैल्यू। अगला प्रश्न है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होता है। तो रिजोल्यूशन मतलब इंस्ट्रूमेंट अगर आपका है
पाँच वोल्ट इनपुट देने पे आउटपुट 20 वोल्ट देता है, तो इसमें पाँच वोल्ट नहीं दे के एक थोड़ी सी क्वांटिटी 0.2 भी वोल्ट देंगे तो आपकी ये मशीन रिस्पॉन्स करना काम कर देगा। क्या करेगा दोस्त? रिस्पॉन्स करना काम कर देगा, यानी वो क्या करेगा, दी स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ दी इनपुट क्वांटिटी विच कैन बी टेस्टेड विथ दी सर्टेनिटी, कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा यानी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा, इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। और अगला क्वांटिटी है आपके पास स्टैटिक सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, तो आपका आउटपुट कितना आउटपुट दे रहा है डिवाइडेड बाय या तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या इनपुट कह सकते हैं, यानी रेशियो ऑफ इन फाइनिटेसिमल चेंज इन आउटपुट टू इन फाइनाइटेसिमल चेंज टू इनपुट, यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के टर्म में हम सेंसिटिविटी कहते हैं, और टॉर्क बाय वेट रेशियो को भी सेंसिटिविटी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा, टॉर्क बाय वेट रेशियो को भी सेंसिटिविटी के टर्म में ले जाते हैं, दोनों याद रखिएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट यानी कितना इनपुट आपका डिस्प्लेसमेंट को क्या कह सकते हैं, वर्क भी कह सकते हैं, आउटपुट को क्या कह सकते हैं, टॉर्क कह सकते हैं, इसलिए दोनों को सेंसिटिविटी के टर्म में लेते हैं। तो ये तीन प्रश्न हो गए, चार प्रश्न हो गए, और पांचवा आपके पास है डेड जोन। डेड जोन इंस्ट्रूमेंट का ऐसा है कि इनपुट आप दिए जा रहे हैं लेकिन आउटपुट आपका जीरो है, ऐसे एरिया को मीटर को क्या बोलते हैं, डेड जोन बोलते हैं, यानी लार्ज इनपुट चेंज आउटपुट विल बी जीरो, इस टाइप के एरिया जहां तक मीटर काम करता है उस मीटर को क्या बोलते हैं, डेड जोन बोलते हैं, यानी आपने यहां जीरो से लेके 5 वोल्ट तक अप्लाई कर दिया लेकिन इनपुट में आपका जीरो ही है तो उस जोन को डेड जोन बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न आपका और तीन चार क्वांटिटी है जो आपका इंस्ट्रूमेंट का, उसको भी देख लेते हैं। रिलेटिव एरर, प्रिसीजन तो हमने देख लिया था, अभी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की बात कर लिया था, उसके बाद कैलिब्रेशन और रिजुलेशन, इसका भी एक थोड़े दूसरे परिभाषा यहाँ चेंज हो गया है, प्रिसीजन और रिजुलेशन सेम है, परिभाषा यहाँ चेंज है, लेकिन रिलेटिव एरर और कैलिब्रेशन नया शब्द आ गया, दो और जुड़ गए, तो इनको देखिए। रिलेटिव एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट जितना ट्रू वैल्यू है यानी 20 वोल्ट को मापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट आपका 19.5 वोल्ट मापता है तो इसका एरर कितना है, तो 0.5 वोल्ट, यानी ये गलत माप रहा है या माप लेता है ये 20.5 वोल्ट, तभी ये पॉजिटिव में एरर है और ये नेगेटिव में एरर है, यानी अपने डाटा से थोड़ा कम ज़्यादा मापना इंस्ट्रूमेंट की रिलेटिव एरर कहते हैं, और ये जनरली 100% में हम टर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर मतलब ट्रू वैल्यू बाय मेजरेड वैल्यू। प्रिसीजन की बात कर ही लिखे हैं, प्रिसीजन में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या करेगा, रिपीटेड मेजर वैल्यू कितनी बार भी नापिए वो 20 वोल्ट ही बताएगा, इसको बोलते हैं प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन क्या है, तो प्रोसेस टू एडजस्टमेंट रीडिंग टू मेड स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड वैल्यू को बनाने के लिए, यानी आपके पास एक वोल्ट मीटर है, क्या है, वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को 20 वोल्ट मापना है, जब आपने पहली बार मापा ये 18 बताया, अगली बार बताया 19, अगली बार 19.5, फिर से 18, फिर से ऐसे ऐसे कुछ डाटा मांग रहा है, तो ये तो प्रिसाइज नहीं है, इसको प्रिसाइज बनाने के लिए ये ऐसा कि ये 20 वोल्ट के नज़दीक मापे, 19.9 मापे, उसके लिए स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं, इसे कैलिब्रेशन करते हैं या कंपेयर करके उसको फिक्स करते हैं, वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट रीडिंग मेड इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम कैलिब्रेशन क्रिया करते हैं। अगला रिजुलेशन है, तो हम जानते ही है रिजुलेशन में क्या होता है, आउटपुट अप लेवल व्हेन इनपुट इज ए स्मॉल वैल्यू, यानी इनपुट थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आउटपुट हमें मिल जाएगा, यहाँ भी हमने बात किया था अभी रिजुलेशन का किए थे ना, तो यहाँ भी वही टर्म था, देखिए पहले नंबर पे है, दी स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ दी इनपुट आउटपुट कैन बी टेस्टेड एंड सर्टेनिटी, तो क्या हो गया, थोड़ा चेंज करेंगे इनपुट तो आउटपुट में कुछ रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा और रिस्पॉन्स करेगा हमारा इंस्ट्रूमेंट। अगला चार प्रश्न, जो आपका ये चार प्रश्न आपको ले जाएंगे 51 तक।
जिसमें एक्यूरेसी पूछ रहा है और टाइप ऑफ स्टैंडर्ड बोलता है, ये भी VBI है। किस प्रकार के स्टैंडर्ड है इंस्ट्रूमेंट में उसको समझिएगा। पहला कह रहा है लिस्ट एक्यूरेट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो लिस्ट एक्यूरेट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फील्ड में काम में लेते हैं, यानी वर्किंग इंस्ट्रूमेंट। एक वोल्ट मीटर है पैनल में लगा है, ये कौन सा टाइप का है, वर्किंग में है और ये सबसे कम एक्यूरेट होता है। उसके बाद है मोर एक्यूरेट, थोड़ा सा इससे और अच्छा हो जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। और बहुत अच्छा हो जाएगा तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम कैलिब्रेशन क्रिया करते हैं प्राइमरी से, और उससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। तो सारा चीज़ को आप समझिएगा, सबसे कम एक्यूरेट है तो वर्किंग है, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सेकेंडरी है, और ज़्यादा हो गया तो प्राइमरी है, और हाईएस्ट हो गया तो इंटरनेशनल है। कई बार पूछ भी दिया जाता है कि इसको आपको लगाना है सीरीज में, तो वर्किंग के बाद क्या लिखिएगा, वर्किंग के बाद लिखिएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद इंटरनेशनल, या अगर इधर की तरफ कहेगा तो इंटरनेशनल हम ऐसे लिखेंगे, इसके बाद इसमें लगाएंगे प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद लगाएंगे सेकेंडरी, और इसके बाद लगाएंगे वर्किंग। इस टाइप से आपको समझना है टॉपिक को। अब चलिए लास्ट के चार प्रश्न, आपके तीन प्रश्न तो 52 हो गए थे, अब तीन प्रश्न हमारे पास इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। पूछ रहा है यूनिट दिया हुआ है वेबर कूलम्ब और फेराड में, इसका इक्विवेलेंट यूनिट में बताना है एम्पियर वोल्ट और एम्पियर सेकंड वगैरह में, जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसमें इंस्ट्रूमेंट का। तो वेबर किसके बराबर होता है, तो वेबर को हम कई बार वोल्ट सेकंड भी बोलते हैं, VS। तो कहाँ आंसर है, तो 2 नंबर में, तो वेबर बराबर वोल्ट सेकंड। कूलम्ब को क्या बोलते हैं, तो कूलम्ब को आप एम्पियर सेकंड बोलते हैं, तो बिल्कुल है सही। उसके बाद फेराड को क्या बोलते हैं, तो फेराड को हम बोलते हैं एम्पियर सेकंड पर वोल्ट, एम्पियर सेकंड पर वोल्ट, यानी आप कूलम्ब को किससे डिवाइड कर दिए, वोल्ट से, तो फेराड आता है कि नहीं, तो चलिए आ गया है लगता है। कूलम्ब की यूनिट क्या है, एम्पियर सेकंड, और बी से डिवाइड कर दिए तो फेराड आ गया। बस यही था छोटा सा टॉपिक, अगर समझ गए तो 2-3 प्रश्न के लिए रेडी रहिए, और अगर नहीं आता है तो समझिए कि कुछ न कुछ प्रश्न में हमारी गलती है, हमारे तरफ से प्रयास गलत है, लेकिन मेरा अनुमान है कि प्रश्न जरूर आएगा। तो ये रहा वीडियो नंबर हमारा 14, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल की बात किए हैं। चलिए धन्यवाद बने रहने के लिए।